बहुत टाइम से एक सपना रहा है कि मैं अपने पेरेंट्स को उनकी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप पे लेके आऊँ। हालांकि ये मेरी भी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है, बट फाइनली इतने सालों के बाद ये पूरा हो रहा है। तो हम आ गए हैं थाईलैंड में, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फर्स्ट 3 डेज हम लोगों ने पटाया में क्या क्या किया, क्या एक्टिविटीज़ किए, किस होटल में रहे, क्या क्या एक्सप्लोर किया, सब कुछ। तो पहले हम पूरा पटाया टूर करेंगे, और उसके बाद वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि वीज़ा और बाकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। What's up, YouTube fam? Welcome to Pattaya. तो हमने फ्लाइट ली कोलकाता टू बैंकॉक और पहुंच गए डॉनमुआंग एयरपोर्ट में। बैंकॉक में वैसे दो एयरपोर्ट्स हैं, डॉनमुआंग और सुवर्णभूमि। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सबसे पहले तो मैंने सिम कार्ड ली, उसके बाद आई हमारी प्राइवेट कैब जो हमें सीधा लेके जाएगी पटाया। बैंकॉक से पटाया का डिस्टेंस है 147 किलोमीटर, और क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग निकले हमें बस 2 घंटे लगे ड्राइव करके पहुंचने में। क्योंकि हमारी टूर एडवांस में ही बुक्ड है, हमने अपने दिन की शुरुआत की फ्लोटिक मार्केट से, जो फिलहाल बंद है क्योंकि वो 9 बजे खुलता है। तो तब तक हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं 7-Eleven में। 7-Eleven लिटरली एक लाइफ सेवर है, यहाँ पे आपको ढेर सारे ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस मिल जाएंगे, चाहे वो सैंडविचेस हो, राइस हो, या कुछ भी जो भी आपको पसंद हो। 7-Eleven आपको हर जगह मिल जाएगा, तो मेक श्योर आप फूड, वाटर बॉटल्स ये सब अपने पास रख लो। तो इंडिया में अभी 7:53 हो रहा है और यहाँ पे 8:56 हो रहा है टाइमिंग, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर का डिफरेंस है। और अभी हम लोग फ्लोटिंग मार्केट पहुँच चुके हैं, इवन दो फ्लोटिंग मार्केट सुबह के 9 बजे खुलता है, हम लोग वेट कर रहे हैं। बोट ऑल्सो, ओके ओके, गुड गुड। बोटिंग एंड विजिटिंग द मार्केट, दिस आर द टिकट्स फॉर फ्लोटिंग मार्केट। तो हम जिस फ्लाइट से आए वो था एयर एशिया, 12:30 का फ्लाइट है फ्रॉम कोलकाता टू बैंकॉक, उससे हम आए। फिर वहाँ से सीधे हम निकल गए पटाया के लिए। पहले हम पटाया एक्सप्लोर करेंगे 3 दिन के लिए, उसके बाद जाएंगे बैंकॉक में। और क्योंकि हमारे पास स्टिकर वीज़ा ऑलरेडी था, तो इतना ज़्यादा हमें, मतलब वीज़ा ऑन अराइवल के लिए हमें वेट नहीं करना पड़ा, स्टिकर वीज़ा था तो जल्दी से इमिग्रेशन हो गया। तो पटाया फ्लोटिंग मार्केट का एंट्री टिकट है 200 baht। Oh, this looks beautiful. This is the beautiful, beautiful floating market. Woohoo! यहाँ पे restaurants है, यहाँ पे fruits और vegetables लेके बैठे हैं। एंट्री टिकट और बोट राइड का प्राइसेस अलग है। अगर आप चाहो तो क्लुक एक ऐप है, वहाँ से अपने टिकट्स एडवांस में बुक कर सकते हो, या तो फिर आप टिकट काउंटर में आके सीधा ले सकते हो। बोट का हमें पड़ा 800 baht, लेकिन अगर आप ऐप से टिकट्स करते हो तो शायद आपको थोड़ा बहुत सस्ता मिल जाए। After the boat ride, we'll be taking a walk also throughout the market और देखेंगे क्या क्या सब चीज है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है बोट से वो, और वैसे भी वॉक करके देख सकते हैं हम। हमको बताया गया कि टिकट लेने के बाद हमारे पास 1.5 आवर है, इसके बाद हमें टाइगर पार्क में जाना है। बोट राइड कम से कम 10 मिनट के लिए होती है, जहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा पटाया फ्लोटिंग मार्केट घुमाएंगे। This literally made my day, man. Amazing. अगर फ्लोटिंग मार्केट का एक्सपीरियंस इतना अच्छा, तो इसके बाद हम टाइगर पार्क में जा रहे हैं, जो मेरे बकेट लिस्ट में काफी टाइम से है कि मैं टाइगर्स के साथ टाइम स्पेंड करूँ। एक जो मेरी फेवरेट जगह है वो दुबई में है, एंड दैट इज द अल्काज़ार ज़ू। चलो वहाँ पे तो जब जाएंगे जाएंगे, बट पटाया टाइगर पार्क में आने का बहुत टाइम से एक ख्वाहिश रहा है, जो आज अभी हम करने वाले हैं। तो बोटिंग के लिए आपको टिकट्स लेने पड़ेंगे, और बोटिंग के बाद आप लिटरली वॉक करके पूरा का पूरा फ्लोटिंग मार्केट घूम सकते हो। काफ़ी बड़ी है फ्लोटिंग मार्केट, वहाँ पे वेजीज और फ्रूट्स लेके बैठे। वहाँ पे एक कपड़ों का मार्केट है, हमने देखा कुछ फेदर्स के शॉप्स भी थे, जाके चेकआउट करेंगे क्या क्या, बहुत मज़ा आएगा। टिकट्स में एक ऑप्शन है जहाँ पे आप यहाँ पे थाई मील भी अपने टूर के साथ ऐड कर सकते हो।
और फ्लोटिंग मार्केट के साथ साथ टाइगर पार्क, अंडर वाटर वर्ल्ड, ये सब 9 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पे कपड़ों के साथ साथ काफ़ी सारे सुविनियर शॉप्स है, बैग्स की शॉप्स है और फूड स्टॉल्स है। जब भी आप जाओ तो अपने घर वालों के लिए यहाँ से सुविनियर्स लेना मत भूलना। यहाँ पे एक बहुत ही क्यूट सा कैफे है, यहाँ पे आप कॉफ़ी वगैरह पी सकते हो और यहाँ पे पैनकेक्स मिलता है। यू कैन ट्राई सम कोकोनट पैनकेक्स, सम बनाना पैनकेक्स। दिस बनाना पैनकेक इज फॉर 30 baht एंड इट्स अमेजिंग। यू कैन ऑल्सो ट्राई आउट एग पैनकेक्स, देयर इज कोकोनट एंड फ्यू अदर ऑप्शंस। दिस इज अमेजिंग। अगर आप एक शॉपाहॉलिक हो मेरे तरह, ओ गॉड, 20,000 baht विल नॉट बी इनफ फॉर यू। अच्छा खासा आप लेके आना यहाँ पे अमाउंट, क्योंकि जब आप इतनी खूबसूरत चीज़ें देखोगे तो आप अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आपको खरीदना ही पड़ेगा, खरीदने का बहुत मन करेगा। यहाँ पे आके आप वो रिग्रेट मत करना, मेक श्योर यू हैव सफिशेंट अमाउंट बोथ इन योर कार्ड एंड इन कैश ऑल्सो। ये क्या है? सोप्स है, सोप्स। We are getting this one, this lavender one. It smells amazing. This is Thai badam. बहुत tasty है खाने में। अगर आपको सी फूड पसंद है तो ये आपके लिए बहुत सही जगह है। पटाया फ्लोटिंग मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल पड़े टाइगर पार्क के लिए, जो मेरे बकेट लिस्ट में बहुत टाइम से और ये सिर्फ यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे थी। This is for Tiger Park. This is the ticket of the Tiger Park. और अभी हम अंदर जा रहे हैं टाइगर के केज में, मजा आएगा। I am going in the big tiger's cage. Finally, bucket list check. यहाँ पे जा रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे दिया गया है। Thank you. Wow, it's huge. And this very big. This side? Yeah. Oh my God, he's huge. And him half body, okay? Oh yeah, half body. Look at him, he's huge. Half body. What is his name? Does he have a name? Noring. Noring. Oh, yes. That's his name. His name Noring. Him boy. That's why he's a boy. Yeah. Wow, it's amazing. He's yawning. We're allowed to touch the back of his body but not the front. Beautiful. People watching, there's my dad. He's one of us got it. I can come here. Oh, from here. There he is. He's amazing. He's beautiful. He's 3 years old. He's feeling a little sleepy. Gorgeous. He's huge. Cut him strong, handy. My mom and dad are watching. टाइगर पार्क में आपको हर साइज का टाइगर मिल जाएगा। मैंने चूज किया मीडियम बिग, जिसका मुझे पड़ा 650 baht फॉर 1 ticket। Can you lean on him? Lean on. I can. Can. Like, how do I lean? Can you lean? Yes, like that. Are you sure? Sure. Harden. Can you hold it too? Yes, really heavy. Up.
She's a great help to me. Thank you. Bye, Dore. Take care. Oh, there's another one. He is also 3-year-old. Yes, same age. Same. The brother. Oh, they're brothers. Oh, that's sweet. That's sweet. I'll go. Is it okay? Yeah, behind. Behind. टाइगर्स काफ़ी चिल्ड आउट थे, उनके साथ हैंग आउट करने में बहुत मज़ा आया, बट लास्ट मोमेंट में जब इसने मेरी तरफ मुड़ के देखा तब लिटरली मेरी फट गई। यहाँ पे 2 to 6 months से लेके 2 to 5 years तक के टाइगर्स है और सबके टिकट के प्राइजेस है करीब करीब 500 से 600 भाट के बीच में। Staring right at the camera. there are a lot more. 1, 2, 3, 4. Bakura. These are medium and large tigers. Hai. Big tigers. Hai. Ye bhi, ye cage mein ghoom raha hai. Oh, you got 2 cages, huh? You got 2 cages. He's so cute, man. एकदम चुपचाप बैठा हुआ है, इतना प्यारा। यहाँ पे पेट्रोल पंप्स में फ्री वाटर बॉटल मिलता है, ये बहुत सही लगा, 3 लोगों को 3 वाटर बॉटल फ्री मिला। क्योंकि फ्लोटिंग मार्केट और टाइगर पार्क ऑन द वे था तो हमने पहले ही वहाँ पे टूर कर लिया और उसके बाद आ पहुँचे होटल में। तो ये था हमारा day 1। हाँ, क्लीन। This is the triple bedroom of Grand Bella, me and the family. There is a sitting area as well. There's the pool and the entire view of the hotel. Sahi lag raha hai yaar view. Let's check out the bathroom. Ooh la la, there's a bathtub, there's gonna be bubble baths. Bhai, bathtub mein maza aayega. पूरा दिन टायर्ड होने के बाद यहाँ पे चिल करेंगे। कूल, एवरीथिंग लुक्स ग्रेट, ऑसम। ग्रैंड बेला का लोकेशन है जौनपुरी में, जौनपुरी पटाया, और ये काफ़ी मतलब सेंटर में ही आता है। आसपास काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, 7-Eleven वगैरह आपको सब मिल जाएगा। और अगर आपको होटल से रूम सर्विस नहीं लेना है, जो हम भी नहीं कर रहे, आप 7-Eleven का ऐप डाउनलोड कर सकते हो और ग्रैब डाउनलोड कर सकते हो। ये 2 ऐप है, वहाँ से आप आपके मील्स मंगवा सकते हो, लंच हो, डिनर हो, ब्रेकफास्ट कुछ भी मंगवा सकते हो। या ब्रेकफास्ट इज़ इंक्लूडेड, लाइक व्हेन वी बुक द होटल वी हैड दिस ऑप्शन टू मेक ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री, लाइक टू इंक्लूड द ब्रेकफास्ट। तो वो हमें मिल गया, वो 2.5 और 3 के बीच के रेंज में ही वो ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है। आपको सिर्फ अपना लंच और डिनर सॉर्ट आउट करना है। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक टू प्राइसी, इफ यू आर इन अ बजट, आई वुड से 7-Eleven इज अ लाइफ सेवर लिटरली। अभी 7-Eleven से मंगवाया है, ये है एग राइस, और हीट और नॉन हीट का ऑप्शन रहता है, हीट का ऑप्शन करके मंगवाया है, 59 भाट है। और इसके साथ ये सैंडविचेस जो सुबह हमने खाए थे वो भी मंगवाया, 32 भाट के, तो करीब 135 में ये सब कुछ आ गया। और फिर एक और इंडियन रेस्टोरेंट से मंगवाया लंच, एंड 2 फ्राइड राइस थे और 1 शायद आलू का पराठा था, और वो आया 457 भाट। तो इफ़ यू आर इन अ बजट, आई वुड से गो फॉर 7-Eleven। 7-Eleven इज़ अ लाइफ सेवर और काफ़ी आसान है। अगर आप जाके भी ग्रैब नहीं कर सकते हो तो ऐप से आप आराम से ऑर्डर कर सकते हो। जब भी ग्रैब डाउनलोड किया तो सब कुछ थाई में लिखा रहा है, लैंग्वेज चेंज करने के बाद भी थाई में लिखा रहा है। बहुत मुश्किल से पहचान में आया कि कौन सा क्या है, वेजिटेरियन है। और फिर अभी हमने वहाँ से मंगवाया। एक और चीज़ जो मैं मेंशन करना भूल गई, जो आपको करना है, एज सुन एज यू लैंड एयरपोर्ट में आप सिम कार्ड ले सकते हो। देर इज़ मैंने जो लिया वो है True 5G, और भी दूसरे भी ऑप्शन है टूरिस्ट के लिए।
और 15 GB का आपको मिल जाएगा. 15 GB का मुझे पड़ा है 300 baht. तो दैट इज़ नेसेसरी व्हेन यू लैंड इन बैंकॉक डू दैट, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इंटरनेशनल रोमिंग वगैरह करवाओगे तो काफ़ी प्राइसी पड़ जाता है. बट इफ़ यू टेक अ लोकल सिम कार्ड देयर आर फ्यू अदर ऑप्शंस, वो भी आप चेक कर लेना. एयरपोर्ट में उतरने के बाद ही आपको सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे. बट ट्रू 5G जो मैंने सुना है काफ़ी बेनिफिशियल है और अच्छा खासा नेटवर्क है. 5G का है, अच्छा खासा नेटवर्क है. आप एक ही सिम लेके वाईफाई शेयर कर सकते हो. ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. और 300 baht का था. अगर आपको ज़्यादा चाहिए 25 GB और बाकी भी है तो 25 GB और 30 GB. 30 GB वॉज अराउंड 600 baht. तो वो अपने हिसाब से आप देख लेना. Day 3 और हम लोग अभी है अंडर वाटर वर्ल्ड में. तो चलिए अंदर चलिए, देखते हैं क्या है अंदर. आज का भी हमारा ट्रिप कल जैसा ही है. हमें टूर वैन आया पिकअप करने और अभी लेके आए अंडर वाटर वर्ल्ड में. सो दिस इज़ ऑल इंक्लूडेड इन द टूर पैकेज जो हमने बुक किया था. और वैसे मैं आपको प्राइसेस अभी बता दूंगी कि कितने हैं प्राइसेस. अंडर वाटर वर्ल्ड 2 से 3 जोन्स में डिवाइडेड है. पहले ये छोटी फिशेज वाली जोन आती है, उसके बाद साइजेस धीरे धीरे बढ़ती जाती है. आई एम टॉकिंग अबाउट शार्क्स, स्ट्रिंग रेज एक्सेट्रा. लुक, देयर इज अ स्ट्रिंग रे राइट हियर, ह्यूज. ओ वाओ, ऑसम, ह्यूज मैन, द स्ट्रिंग रे इज ह्यूज. कैमरा में काफी छोटी लग रही है बट एक्चुअल साइजेस काफी बड़े थे. और भी बड़ी फिशेस देखने को मिली. सियाम सो, ओह माय गॉड, ये बहुत बड़ी है. इतनी तेजी से शार्क जा रही है ना, बाकी फिशेस हिल नहीं पा रही. ओह माय गॉड, दिस स्विम सो फास्ट. Oh my god, there's a huge one. This is a huge one, man. Huge one, huge, huge one. This is a huge one. Stop there. The string is just halted over there. Baba, tum upar diye jabe daro. Wow. Let's go quickly. Is black tip reef shark. यहाँ पे लिखा हुआ है. These are all black tip reef sharks, but I don't know which one is this. This is huge. आगे देखेंगे जाके कि क्या नाम लिखा है. ये बहुत बड़ी है ये fish. The front of this fish looks like a crocodile. ये वाला part, but इसकी आँखें यहाँ पे. तो यहाँ पे अलग अलग जोन्स है, जैसे ब्लू फिन और येलो फिन का अलग जोन है. शार्क का जोन अलग है. फीडिंग भी होता है यहाँ पे, इसका मतलब आप शार्क को फीड भी कर सकते हैं. और इसके अलावा स्ट्रिंग रेज बहुत सारे थे. मेरा जो फेवरेट पार्ट था वो स्ट्रिंग रे वाला पार्ट ही था. इतना खूबसूरत लग रहा था वो, इट वॉज ह्यूज. और पहली बार ऐसे मैंने एकदम सामने से स्ट्रिंग रे को देखा, शार्क्स को भी देखा, तो बहुत अच्छा लगा. ये जगह बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत सही है. अभी हम लोग आए हुए हैं अलकाज़ार शो के लिए और ये है टिकट्स हमारे पास. ये भी प्री बुक है एज यूजुअल, क्योंकि टूर वालों ने ये प्री बुक करके रखा है. और करीब करीब 20 मिनट बचा है, 20 मिनट बाद हम लोग जाएंगे और शो देखेंगे. 1 घंटे का शो होता है 7 बजे से 8 बजे और ये लोग हमें 6:30 बजे पिकअप करने आ गए थे. और शो के अंदर कैमराज वगैरह कुछ अलाउड नहीं है क्योंकि अलकाज़ार शो इज अ कैबरे शो. तो अंदर जाके ही पता चलेगा क्या. आई विल ट्राई टू कैप्चर एज मच एज आई कैन विद माई फोन, बट अगर उन्होंने देख लिया तो वो भी हड़प लेंगे. शो स्टार्ट्स इन 3, 2, 1.
क्योंकि हमने स्टिकर वीज़ा कर लिया था तो हमें वीज़ा ऑन अराइवल के लिए वेट नहीं करना पड़ा। और बेनिफिट ये है स्टिकर वीज़ा कराने का कि हमारे से सिर्फ 3,000 रुपये लिया गया पर पर्सन। और अगर आप यहाँ वीज़ा ऑन अराइवल में आते हो तो वहाँ पर आपको चार्ज किया जाएगा 2,000 baht। और अगर आपको VIP लाइन में जाना है तो 2,200 baht होता है। बट अगर आप यू नो स्टिकर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो 3,000 में हम लोग का हो गया। बट एक और चीज़ है, देयर इज़ अ कैच, बिकॉज आर पासपोर्ट्स आर गुवाहाटी इशूड, सो पीपल फ्रॉम असम करेंटली देयर इज़ अ ज्यूरिसडिक्शन गोइंग ऑन कि जो थाईलैंड के लिए स्टिकर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं फ्रॉम असम, लाइक इफ़ यू हैव गुवाहाटी इशूड देन वी हैव टू गो टू दिल्ली, वो हमारी कॉन्सुलेट है। ये हमें पता नहीं था, जब हम कोलकाता के कॉन्सुलेट में आए हमें पता चला कि यू नो कि ये तो नहीं होगा, गुवाहाटी इशू था। सो व्हाट वी डिड इज वी प्रोवाइडेड आवर एड्रेस प्रूफ फ्रॉम कोलकाता एंड दैट्स हाउ इट वाज ऑल सॉर्टेड। अगर आप कोलकाता से हो आपको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आपका पासपोर्ट गुवाहाटी इशूड है और आप कोलकाता से जाना चाहते हो, एट द मोमेंट यू हैव टू प्रोवाइड एन एड्रेस प्रूफ दैट इज़ फ्रॉम कोलकाता। ये थोड़ा मेस था एंड दैट्स ऑल। और इसके अलावा आपको रिटर्न टिकट्स के वाउचर्स दिखाने होंगे और होटल वाउचर्स दिखाने होंगे। होटल वाउचर्स ऐसा नहीं कि आज है कल है और बाकी जितने दिन आप स्टे कर रहे हो उसके नहीं है, वैसा नहीं होगा। हर रोज़ जो है आप जितने भी दिन रह रहे हो, 4 दिन 5 दिन 7 दिन, रोज़ का उसमें डिटेल होना चाहिए होटल वाउचर का, कितने दिन आप रह रहे हो, और वो कन्फर्म्ड होना चाहिए लाइक विथ पेमेंट, तो वो होने से। और पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए 6 मंथ्स के लिए, उससे ज़्यादा है तो बहुत ही अच्छा है, वो होना चाहिए। दीज आर सिमिलर थिंग्स फॉर वीज़ा ऑन अराइवल एंड स्टिकर वीज़ा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, व्हेन यू अप्लाई फॉर स्टिकर वीज़ा तो आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा और उसमें करीब करीब $1,400 होना चाहिए। अगर और ज़्यादा है तो बहुत ही अच्छा है, मतलब दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग ऑन करेंटली। इफ़ यू डू वीज़ा ऑन अराइवल तो एटलीस्ट पर पर्सन 10,000 baht है, 10,000 baht। और अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो 20,000 baht आपको रखना पड़ेगा आपके साथ, कैश में या अकाउंट में कुछ भी हो। ऑल्सो आपको वीज़ा फोटोज चाहिए होगी, 80% फेस विजिबिलिटी, कान वगैरह सब कुछ विजिबल होना चाहिए। आई डोंट, मुझे ये नहीं बताना चाहिए बट स्टिल मैं मेंशन करूँ क्योंकि लोग पूछते रहते हैं। सो या यू विल नीड 2 वीज़ा फोटोज ऑफकोर्स फॉर द फॉर्म। और अगर ज़्यादा रखोगे तो और भी अच्छा है। और अभी एट द मोमेंट थाई पास वो लोग नहीं ले रहे और ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए भी वो नहीं पूछ रहे, बट जब हम रिटर्न करेंगे इंडिया और दैट इज़ अ वीक फ्रॉम नाउ ऑन द 8th of Jan, आज 2nd Jan है, तब हमें RT-PCR टेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा और सुविधा पोर्टल ऐप में वो अपलोड करना पड़ेगा। तो RT-PCR टेस्ट का यहाँ पे पड़ जाएगा एटलीस्ट 2,000 baht पर पर्सन। तो वैसे देखा जाए तो 2,000-6,000 baht तो आपका चला ही जाएगा RT-PCR टेस्ट के लिए, तो बस वही थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ रहा है और बाकी सब इज़ ओके।